नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 8 दिनों में वसूले 7.5 लाख, पुणे में कोरोना के 15,000 एक्टिव मामले, नासिक में बड़ी कोरोना मृतकों की संख्या। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 8 दिनों में वसूले 7.5 लाख, नियमों का पालन ना करने वालों पर कार्रवाई, प्रशासन दिखाएगा और सख्ती। प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने में सफलता मिली है। इसे देखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सार्वजनिक जीवन को फिर से शुरू करने के लिए 1 जून से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत दुकानों को पहले दोपहर 2 बजे तक व बाद में दोपहर 5 बजे तक खोलने की छूट प्रशासन ने दी है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक खोलने की अनुमति है। इस नियमों को पहले ही दिन से ही प्रतिसाद मिल रहा है, पर कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पिछले 8 दिनों में मनपा प्रशासन द्वारा करीब 7.5 लाख का दंड वसूला गया है। लगभग 1,500 से अधिक लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। तो वही दूसरे और पुणे में कोरोना के 15,000 एक्टिव मामले, नए 1,332 मामले, 2,057 लोग हुए कोरोना मुक्त। कोरोना महामारी के संक्रमण कम होने के बाद पुणे जिले में गुजरे 24 घंटों के भीतर 1,332 नए मामले सामने आए, वही 2,057 लोग कोरोना मुक्त हुए है। गुरुवार को जिले में संक्रमितों की संख्या 10,26,780 तक पहुँच गयी। 9,94,528 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। जिले में 15,004 मरीजों का इलाज जारी है, वहीं अब तक 17,248 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। तो वहीं तीसरे और नासिक में बड़ी कोरोना मृतकों की संख्या, 382 संक्रमित हुए, 72 की मौत दर्ज की गई है। निजी अस्पतालों में कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण से दम तोड़ने वाले मरीजों के आंकड़े पर अब अपलोड होने से नासिक में मृतकों की संख्या बड़े तौर पर दर्ज हो रही है। मृतकों में नए आंकड़े सिर दर्द बढ़ाने वाले हैं। 382 नागरिक संक्रमित हुए, लेकिन 72 की मौत दर्ज की गई है। प्रलंबित सभी जानकारी जल्द से जल्द अपडेट करें, ऐसा न होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय स्वास्थ्य यंत्रणा को दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।